नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ जन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी तो निश्चित तौर पे आलोचकों और प्रशंसकों के भी का भी जिक्र होगा, उनकी भी चर्चा होगी, क्योंकि हाउडी मोदी की गूंज कल अमेरिका में सुनाई दी। काफ़ी प्रशंसा हुई नरेंद्र मोदी की, उन्होंने भी प्रशंसा की डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जाहिर सी बात है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के तारीफ के अतिरेक में इतना बह गए कि उन्होंने मंच से ही कह दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। बस यही बात कांग्रेस को नागवार गुजरी है। कांग्रेस ने आलोचना शुरू कर दी है नरेंद्र मोदी की। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अब तक का जो स्थापित सिद्धांत रहा है विदेश नीति में कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री किसी भी देश के आंतरिक मामलों में, खास करके सरकार के मामले में, चुनाव के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन किया है, तोड़ दिया है। क्या सच में ऐसा किया है नरेंद्र मोदी ने? क्या सच में ऐसा काम किया है मोदी ने कि उनकी आलोचना हो? बात करेंगे हम इस पर। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी। जी तिवारी जी, बताएं कि जिस प्रकार के आनंद शर्मा बात कर रहे हैं कि स्थापित सिद्धांत को तोड़ दिया है, क्या है मतलब इसका? देखिए, मोदी जी तो वैसे कई स्थापित सिद्धांतों को तोड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन इधर आनंद शर्मा इशारा कर रहे हैं, जितनी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की मुझे जानकारी है, भारत की ये नीति रही है कि दूसरे देशों के मामले में वो नहीं बोलता है। चाहे आप चाइना का उदाहरण उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी देश का उठा जी। अब की बार ये जब ह्यूस्टन में प्रोग्राम रखा गया तो एक सवाल उभर रहा था कि 50,000 लोगों की भीड़ और इतनी तैयारी क्यों हो रही है? क्या सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए हो रहा है? जब ये प्रोग्राम कंफर्म हो गया कि उसमें ट्रंप आएंगे और पहली बार ऐसा होगा कि किसी निजी कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल होगा, तो थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, क्या वो भारत के सिर्फ हित के लिए ऐसा करेंगे? तो बाद में बात ये समझ में आ गई थी कि जरूर ट्रंप जो का अपना भी इंटरेस्ट इसमें होगा। मुझ जैसे जो लोग हैं उनको ये लग रहा था कि दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जानते हैं, समझते हैं, इनके सलाहकार भी होते हैं, कि मंच पे जरूर आएंगे, बोलेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात शेयर नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि इसका पॉलिटिकल कोई मकसद है। लेकिन ताजुब तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया वाले नारे के तर्ज पे बोला कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो ताजुब हुआ था क्योंकि ये नीति भारत की नहीं रही है। अब थोड़े से इसको, वहाँ दो ही पार्टी है, टू पार्टी सिस्टम वर्क करता है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो आप याद कीजिए, ओबामा से कितने अच्छे संबंध थे, डेमोक्रेट से भारतीयों के लिए सूट करते हैं, वैसे तो रिपब्लिकन भी सूट कर जाते हैं, और वहाँ के दोनों पार्टियों के बारे में ये कहा जाता है कि लगभग नीतियाँ समान ही है, ठीक है, कभी वो आते हैं कभी वो, हाँ वो बदलते रहते हैं। तो वो जो टेक्सास और ह्यूस्टन है वहाँ पे जो भारतीयों की संख्या 1.5 लाख के आसपास बताई जा रही है, भारतीय और एशियाई और भी है, तो मोदी की जो छवि है वो सिर्फ भारतीय नेता की नहीं है, वो पूरे एशिया के नेता के रूप में डेवलप कर रहे हैं, अपने को कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्लानिंग की गई कि यदि मोदी जी जाकर वहाँ ये बात कहते हैं तो फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी भारतीय किसी चुनावी रैली की तरह मंच पे आए और अचानक बोल दिए। अच्छा ये बताएं तो कांग्रेस इसको सकारात्मक क्यों नहीं ले रही है? भारतीय प्रधानमंत्री अगर अमेरिका में जाके चुनाव को प्रभावित कर सकता है, अगर कर सकता है, तो ये तो सकारात्मक बातें भी हो सकती हैं, पॉजिटिव बातें हैं। कांग्रेस के लिए बिल्कुल सकारात्मक बात नहीं है। जो कांग्रेस आज जो है पानी मांग रही है, जमीन खोज रही है अपने हिंदुस्तान के राज्यों में कि किस तरह से वो टिके रहा है, उसका अस्तित्व तो बना रहा है, उसकी सरकारें बने, वो यदि मोदी इंटरनेशनल लेवल के नेता बन रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना चुनाव जीतने के लिए मोदी की जरूरत पड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि मोदी का कद बढ़ रहा है, ठीक है, मोदी का कद बढ़ रहा है। और ये एक ऐसी परंपरा शुरू हो जाएगी कि मान लीजिए कि कल को मोदी को जरूरत पड़ी कि ट्रंप को बुला लेते हैं, तो क्या ट्रंप आके मोदी के लिए प्रचार करेंगे? और यदि ट्रंप ने, चूंकि दोनों अनप्रेडिक्टेबल लीडर्स हैं, यदि ऐसा कर दिया तो अब सोचिए कि सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? फिर तो जो सत्ता में है वो तो फिर जो अभी तक देश के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा था, अब विदेश के भी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। ट्रंप पे तो वैसे ही आरोप लग चुका है कि 2016 का चुनाव उन्होंने रशिया की मदद से जीता था। एक दूसरी कहानी भी देखिए, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, एक लॉबी ने ऐसा काम किया कि उनको वीजा वहाँ नहीं मिला। अब उनकी इतनी वाहवाही हो रही है अमेरिका में, तो क्या कांग्रेस को ये बात नागवार गुजर रही है क्या?
नहीं, मुझे याद है कि मोदी ने इसका जवाब दिया था, वो व्यक्ति के रूप में नहीं मिला था, कोई बात नहीं, मैंने प्रयास किया था। अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो आनंद शर्मा ने सवाल उठाया है वो मुझे वाजिब सवाल लगता है कि आप मिस्टर मोदी के रूप में वहाँ मौजूद नहीं थे, आप देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मौजूद थे और आपको ऐसे वोट नहीं मांगना चाहिए था, वो अपनी जगह पर सही। अच्छा ये बताएं कि जब इस पूरी कहानी में हम जब पाकिस्तान को शामिल करते हैं और भारतीय प्रधानमंत्री के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब मुलाकात होती है और कई बार अच्छे माहौल में होती है तो हम तो उसे बड़ी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बताते हैं, कहते हैं कि देखिए कितना खुशगवार माहौल में मुलाकात हो रही है, इतना फुटेज तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को नहीं मिलता। लेकिन यही रिश्ता यहाँ पे अगर सामने आ रहा है, उस रिश्ते को देखिए, रिश्ता किसी संदर्भ विशेष को लेकर तो होता नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया मोदी ने ट्रंप के साथ रिश्ते को लेकर के, तो अगर उस रिश्ते के तहत उन्होंने ये अगर बात कही दी तो क्या दिक्कत है फिर कांग्रेस को? दिक्कत ये है कि ये रिश्ता मोदी के बीजेपी के पार्टी के साथ नहीं है या मोदी जी के साथ नहीं है, ये रिश्ता भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। जब आप उस समय 130 करोड़ या 121 करोड़ देश के लोगों का, आप खुद बोल रहे हैं कि मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये रिश्ता भारत के साथ है। और कभी भी कांग्रेस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि वो बीजेपी के लिए प्रचार करें। अल्टीमेटली जिस समय वो ट्रंप की सरकार बनवा रहे थे तो रिपब्लिकन पार्टी का ही तो प्रचार कर रहे थे ना, जब वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं तो किसके लिए वोट मांग रहे थे? रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। तो ये कैसे कांग्रेस बर्दाश्त कर सकती है या बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में गए हैं, लिहाजा जो आप जिस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो देश, दो देशों के संबंधों की बात कीजिए, अपनी लोकप्रियता खूब बढ़ाइए। देखिए आनंद शर्मा ने कहा कि आप बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर वहां नहीं गए थे, आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे, लेकिन मुश्किल तो यह है कि एक प्रधानमंत्री अपने को दोस्त के तौर पे कैसे अलग कर ले और प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे अलग कर ले? ऐसे ही अलग कर ले जैसे कि कोई सांसद होता है और जैसे ही स्पीकर चुना जाता है वो पार्टी से अलग हो जाता है और उसके बाद उसी दिन से वो सबका हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि जो स्पीकर है वो कैसे पार्टी से अलग होकर के और उसी दिन से न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन होता है ऐसा। जो लोकतंत्र में खास तौर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में परंपराएं हैं, यानी कि ब्रिटेन के बारे में जहां से हम लोगों ने ये लिया उसके बारे में कहा जाता है कि वहां का संविधान तो अलिखित है, सब कुछ कन्वेंशंस पे चलता है, परंपराओं पे चलता है, तो उन परंपराओं का यदि पालन नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? फिर तो आप एक पार्टी की सत्ता बनकर रह जाएगी। आपके लिए ट्रंप प्रचार करेंगे, आप ट्रंप के लिए प्रचार करेंगे, तो गनीमत है कि अमेरिका में दो बार से अधिक कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा बताएं, आनंद शर्मा जी ने जो ये बयान दिया है और कहा है कि उन्होंने स्थापित सिद्धांतों को तोड़ा है, कोई जुर्म तो नहीं किया है, स्थापित सिद्धांत था उसको तोड़ दिया है, मान लिया तोड़ भी दिया, वहां पे वाहवाही हो रही है मोदी की काफी, शायद कांग्रेस को भी नहीं पच रही, कांग्रेस को यहाँ क्या उससे नुकसान है भारत में? कांग्रेस को भारत में ये नुकसान है, जितना मोदी लोकप्रिय होंगे पूरी दुनिया में, मान लीजिए आज अमेरिका में गए, कल ब्रिटेन में भी वो कार्यक्रम कर चुके हैं, यूरोपीय देशों में कर रहे हैं, गल्फ कंट्री के तमाम पुरस्कार ले रहे हैं, तो जैसे जितना लोकप्रिय बाहर होते हैं ना उसका असर देश पे होता है। तो कांग्रेस तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, मोदी जी भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये जो ट्रेडिशन तोड़ा, परंपरा तोड़ी, उसकी आलोचना हो रही है। तो चलिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है, विडंबना भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति और पद के बीच में संतुलन कैसे बैठे, ये उसी व्यक्ति से पूछिए जो उस पद पे भी है और व्यक्ति के रूप में उसे मित्रता भी निभानी है। शायद इसी पसोपेश में नरेंद्र मोदी रहे होंगे और उन्होंने ये बयान दे दिया होगा अमेरिका में कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब देखें आगे इस पर क्या प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से मिलती हैं या फिर मोदी की और आलोचना होती है देश में, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।